चाइन का जो गाना है आई गेस हर इंसान बहुत स्वीटली अपने आप को रिलेट कर सकता है, बिकॉज हर इंसान के चाहे वो कपल है जिसकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, वो वन साइडेड लविंग में बिलीव करते थे, तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते लेकिन बयां हो जाते हैं, डेफिनेटली एक्सप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो बहुत मज़ा आया और एक्साइटमेंट हो रहा है बिकॉज मैम के साथ में मैंने एक और गाना पहले कर रखा है और हम लोग भाई बहन थे लेकिन वो जो देव नेगी जी ने गाया था और मैम ने गाया था, तो एक गाना जब मैं गया मैम से मीटिंग की मैंने और ऑडियो मैंने सुना, तो मैंने पहली बार में बोल दिया था कि मैम बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आई वुड लव टू फीचर इन इट, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट और टच वुड उसका हिस्सा बना। मैम एग्री की और मेरे साथ में काम किया और बहुत अच्छा गाना बाहर आया। ये भी जैसे होगा कि आज के दौर में जो म्यूजिक का मार्केट है, टीवी आर्टिस्ट से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फीचर कर रहे हैं, लेकिन खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो उनका जो म्यूजिक वीडियो जितना सक्सेस पाता है एवरेज आर्टिस्ट का नहीं पाता था उसके बारे में। सर अभी तो आई गेस इट डिपेंड्स ऑन सॉन्ग टू सॉन्ग, दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड चाहे टीवी एक्टर हैं या फिल्म एक्टर हैं आज की डेट में, तो बिकॉज आई हैव डन टीवी एंड आई रिसेंटली आई हैव फिनिश्ड 7 फिल्म्स आफ्टर लॉकडाउन, तो आई डोंट थिंक लाइक दैट कि अभी कुछ डिफरेंस आ गया, बट येस डेफिनेटली अगर गाना अच्छा होता है और पिक्चराइजेशन अच्छा होता है, खूबसूरत दिखता है, खूबसूरत हमें कानों में हमें सुनाई आता है, तो गाना डेफिनेटली चलता है। तो इवन इन स्पाइट ऑफ द लेबल्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव अभी, बिकॉज वी हैव इन टॉक्स लेबल्स का कि हम किसके थ्रू रिलीज कर रहे हैं, वट एवर जो श्रुति मैम का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, बट गाना अगर अच्छा है और सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ही होता है। श्रुति जी आप दोनों का टाई अप है जार का, और आपका क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर और जुबेर जी के साथ जो टाई अप हुआ है उसके बारे में? हमारे दोनों की एक साल से जो पहचान है, जो हमने फर्स्ट सॉन्ग किया था म्यूजिक में और अब ये सॉन्ग जब सुना तो बहुत अच्छा लगा और हमने दोनों ने टाइप करके ये सॉन्ग आगे आगे एग्जीक्यूट किया। आपका आपने भी गाना गाया है इसमें, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे, किस तरह का गाना है और किस तरह का मूड है गाने का? ये पंजाबी सॉन्ग है, 90% तो पंजाबी हुआ है और ये बहुत प्यारा और लवली सॉन्ग है, मतलब लव एंगल का है, जो भी कोई बोल नहीं पा रहे हैं मन में रहता है वो सब हमने दिखाने की कोशिश की है और अच्छे से पिक्चर है, बढ़िया बनाया है, इसलिए चलना चाहिए क्योंकि ये सॉन्ग पार्टी में भी चल सकता है, एक लाइन गुनगुनाएंगे आप या प्राजक्ता भी साथ देंगे या या कितना मुश्किल था आपके लिए मराठी है आप और पंजाबी गाना करना? प्रोजेक्ट आपके लॉन्च हुआ है, लॉन्चिंग से डेब्यू किया आपने, क्या कहना चाहिए?